से निपटो, हम देख लेंगे। इजराइल के पीछे चट्टान सा खड़ा हो गया अमेरिका, ईरान को चेतावनी। बाइडेन इजराइल हमस वॉर, अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह खुलकर इजराइल की मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम आतंकियों से कहना चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल को आत्मरक्षा के लिए हर जरूरी मदद अमेरिका मुहैया कराएगा। इजरायली सेना ने अब जवाबी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास के साथ युद्ध लड़ रहे अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल के साथ अब चट्टान की तरह से खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार इजराइल को भेजा है। वहीं बाइडेन ने कहा है कि संकट की घड़ी में अमेरिकी जनता इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा, अमेरिका स्पष्ट रूप से इजराइल की जनता, पूरी दुनिया और दुनिया भर में मौजूद आतंकियों से कहना चाहता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। यह कभी नहीं बदलेगा। एक तरफ जहां बाइडेन ने इजराइल के खुलकर समर्थन का ऐलान किया है, वहीं इजराइल की सेना हमास पर काल बनकर टूटी है। ने ट्वीट करके बताया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन हमेशा एकजुट रहेंगे और एक दूसरे से अपने सहयोगी और साझा मित्र इजराइल पर समन्वय करेंगे ताकि इजराइल खुद की रक्षा कर सके, यह सुनिश्चित किया जा सके। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा देता हूं कि अमेरिका यह सुनिश्चित करता रहेगा कि इजराइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा के लिए जो जरूरी है वह मिले। यह दिल तोड़ने वाला समय है और अमेरिकी जनता इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने यह चेतावनी ईरान के हमले के खतरे को देखते हुए दिया है। हमास पर टूट पड़ी इजराइल की सेना। इस बीच अमेरिका का साथ पाकर इजराइल की सेना अब हमास पर काल बनकर टूट पड़ी है। गाजा के अंदर इजराइल के विमान पिछले चार दिन से बमों की बारिश कर रहे हैं। इजराइल के विमान दिन हो या रात लगातार उड़ान भर रहे हैं और हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उनके विमानों ने हमास के 200 ठिकानों को तबाह कर दिया है। उसने कहा कि हमास इसका इस्तेमाल आतंकी हब के रूप में कर रही थी। एक बड़ी तादाद में इन्हीं जगहों से इजराइल पर हमले किए जा रहे थे। इजरायली सेना ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित कर रही है कि युद्ध के समाप्त होने के बाद हमास के पास कोई सैन्य ताकत ही नहीं बचे। इजरायली सेना ने कहा कि सैन्य और आम नागरिकों के ठिकानों को नष्ट करना आसान नहीं है। इन इमारतों में हमास के सरगना छिपे हो सकते हैं। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने मंगलवार को कहा कि 7 अक्टूबर के अभूतपूर्व हमले के बाद से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी है और इजरायली क्षेत्र के अंदर लगभग 1,500 हमास आतंकवादियों के शव पाए गए हैं। इजराइल के 900 लोगों की हमले में मौत। IDF ने यह भी कहा कि हमले के बाद से 900 इजरायली मारे गए हैं, इनमें 123 सैनिक भी शामिल हैं। सेना ने कहा कि दर्जनों इजरायली लड़ाकू विमानों ने रात भर में गाजा के घनी आबादी वाले रिमल और खान यूनिस इलाकों में 200 सेकंड अधिक ठिकानों पर हमला किया। CNN की रिपोर्ट के अनुसार IDF ने कहा कि उसने खान यूनिस में एक मस्जिद के अंदर स्थित हमास आतंकवादियों के हथियार भंडारण स्थल और हमास के आतंकवादी गुर्गों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया। इसमें कहा गया है कि जेट विमानों ने हमास के गुर्गों के कई ऑपरेशनल आवासों के साथ साथ एक मस्जिद के अंदर स्थित हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटर पर भी हमला किया। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्द।